अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर दूँ, काफ़ी अच्छे बात बना रही हूँ। ये सुबह आज संडे का दिन है और मैंने सुबह अपनी बेटी और मैं उठे हुए थे, बाकी अभी सारे सोए हुए थे और मैंने सोचा नाश्ता बनाऊँ। और ये मैंने बलो वाला पराठा अपनी बेटी के लिए, वो बड़े शौक से खाती है और साथ वो चाय के साथ बहुत शौक से उसका नाश्ता होता है, और मैं ये पराठा बना के इसको तैयार किया है और साथ में चाय। और अपने लिए मैं हल्का फुल्का नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि मैं सुबह के टाइम बहुत हल्का खाती हूँ। कुछ दिन से तो वाकई मैं बहुत बिजी थी और टाइम ही था मिल रहा, क्योंकि मेरी छोटी बिल्ली हमारी जो थी वो बुलबुल वो बहुत बीमार थी, तो अब थोड़ा वो बेहतर फील कर रही है, शुक्र है। अब थोड़ा खाना पीना शुरू किया उसने और अभी ये देखे जी, ये मैं चाय बना रही हूँ सुबह के टाइम। संडे का दिन है और छुट्टी वाले दिन ये हमारा यही नाश्ता होता है, क्योंकि ये मेरी बेटी चाय के साथ पराठा खाती है, बलो वाला उसे बहुत पसंद है। और मैं सैंडविच अपना बना रही हूँ, मैंने आमलेट का ऐसे मैं आमलेट बनाती हूँ और साथ में इसमें मैंने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हो। मैं अपनी चॉइस के मुताबिक ये बनाती हूँ और ये सुबह का मेरा हल्का मुल्का नाश्ता होता है। और संडे के दिन तो वैसे भी बहुत से काम होते हैं और मैं कपड़े मशीन वगैरह लगा के बच्चों के कपड़े वगैरह भी धोने होते हैं और भी घर की सारी सफाई होती है, जो मैं अब नाश्ता करने के बाद करूँगी। ये मेरा ये नाश्ता तैयार है, ये मैं इतना सैंडविच, बस एक सैंडविच मेरा सुबह का नाश्ता होता है, इससे ज़्यादा हैवी नहीं मैं खाती। और ये नाश्ता तैयार है और नाश्ता करने के बाद मैं पूरे घर की सफाइयाँ करूँगी, अपने कपड़े धोगी, बच्चों का यूनिफॉर्म, अपनी बेटी का यूनिफॉर्म वगैरह वो सारा धोगी, तो उससे फारग होके। और आज मैंने और संडे के दिन स्पेशल काम होते हैं तो जिसमें मैं बाहर के भी काम निपटा देती हूँ और घर के भी। और ये देखें जी, नाश्ता तैयार है, हम नाश्ता करके अपनी बेटी को दूंगी और हम नाश्ता करके तैयार फारग हो जाऊंगी, उसके बाद सारे काम निपटाऊंगी। उसके बाद मैंने ये देखे जी, अभी संडे बाज़ार इधर मैं आ रही हूँ, इतवार बाज़ार ये लगता है हमारे पास ही लगता है और यहाँ मैं अक्सर सब्ज़ियाँ लेने आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा बहुत रेट सब्ज़ियों के बड़े हुए हैं, उसमें कोई मतलब सब्ज़ियाँ यहाँ बहुत अच्छी मिल जाती है ताज़ी। मेरे हस्बैंड सब्ज़ी ली और ये जी सारा दिन के काम के बाद बच्चों ने ये नया होटल खुला था पिज़्ज़ा हिट, और यहाँ के पिज़्ज़ा काफ़ी फेमस है, यहाँ ये बहुत प्यारी डेकोरेशन हो रही थी हुई थी। और सबसे मज़े की बात इधर की, ये यहाँ की छत बहुत ऊपर से छोटी है और बहुत प्यारी लगती है और इसकी सजावट में मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी और मैंने ये वीडियो बनाई, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ का पिज़्ज़ा भी हमने टेस्ट किया था, बहुत अच्छा था। और ये माशाल्लाह देखें, अल्लाह का नाम कितना प्यारा इन्होंने लिखा हुआ है, और कहीं भी नहीं मैंने देखा इन्होंने इस होटल में पिज़्ज़ा का नाम लिखा। ये देखे जी, ये बच्चों ने अपने लिए ये पिज़्ज़ा और साथ में ये चाउमिनज़ मंगाई थी, बच्चे यही ज़्यादा खाते हैं खुश होके। तो ये यहाँ का काफ़ी अच्छा टेस्ट था, वहाँ से हम खा के घर आ गए। ये जी हमारी गली में, ये देखे छोटा सा बिल्ली का बच्चा काफ़ी शोर कर रहा था। जी तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।